दोस्तों सब टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस को गुदगुदाने वाले 52 वर्ष के दिलीप जोशी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आज ज्यादातर लोग इन्हें जेठालाल कहकर ही बुलाते हैं। दोस्तों दिलीप ने 12 साल की उम्र से अभिनय करना शुरू कर दिया था और सालों के स्ट्रगल के बाद उन्हें नाम और शोहरत मिली सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। इनके जेठालाल का किरदार लोगों ने काफी पसंद किया और आज वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टीवी एक्टर में शुमार हो गए हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल कितना कमाते हैं और आज कितनी संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों आप जेठालाल का फैन है तो अब भी वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले अगर बात करें दिलीप जोशी जी की इनकम की तो आज वो एक एपिसोड के लिए करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक महीने में दिलीप जी करीब 25 दिन शूट करते हैं। इस तरह उनकी एक महीने की सैलरी करीब 36 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा वो एड से होने वाली कमाई को मिलाकर सालाना करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। अब अगर इनके घर की बात करें तो इनका गुजरात के पैतृक घर के अलावा मुंबई के एस्टेरिया में खुद का एक शानदार घर मौजूद है जिनमें फिलहाल वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और अगर इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए, नेटवर्थ की बात करें तो जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी जी आज करीब 6 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 45 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। और इनके फेम और पॉपुलैरिटी को देखते हुए जाहिर है ये दिनों दिन काफी शोहरत कमाने वाले हैं। वैसे कहा जाए तो दिलीप जोशी जी ने इस मुकाम को पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है। तो दोस्तों क्या आप भी हैं जेठालाल जी की फैन तो कमेंट्स कर हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।